हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन साझा संपत्ति संसाधन। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है। सबसे पहले हम साझा संपत्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि साझा संपत्ति संसाधन होता क्या है। लेकिन साझा संपत्ति संसाधन ही नहीं, अकेला साझा संपत्ति संसाधन नहीं, एक बिंदु और होता है निजी भू संपत्ति भी। तो इन दोनों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है तो मैं बता दूं आपको। आपकी जो भूमि होती है, इस भूमि को स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन से हैं? पहला निजी भू संपत्ति और दूसरा है साझा संपत्ति। ठीक है, निजी संपत्ति या निजी भू संपत्ति और साझा संपत्ति। ठीक है, इसके आगे अपन डाल लेंगे संसाधन। ठीक है, अब देखिए निजी भू संपत्ति संसाधन और साझा संपत्ति संसाधन होते क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे निजी, पढ़ना हमें साझा संपत्ति संसाधन, लेकिन हम इसको भी समझेंगे उसके बाद में, इसका भी लेंगे नंबर। निजी भू संपत्ति जो होता है, हम नाम से पता चल रहा है निजी का मतलब होता है एक व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, इस संपत्ति पर एक व्यक्ति, इस संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति। ठीक है, या कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है निजी संपत्ति कहलाती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या फिर हो कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो, निजी संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन आज हम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं साझा संपत्ति संसाधन। तो अब टॉपिक लेंगे अपन साझा संपत्ति संसाधन, जो हमारा मेन बिंदु है। दूसरे नंबर पे आता अपना साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए साझा का मतलब क्या होता है। साझा वह भूमि जिस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। ठीक है, वह भूमि जिस पर समाज के सभी लोगों का क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हुई। देखिए साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। साझा संपत्ति संसाधन को सामाजिक प्राकृतिक, ठीक है, या कह दीजिए सामुदायिक बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ सामुदायिक भी बोल सकते हैं, सामाजिक भी बोल सकते हैं, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
चाहे सामाजिक कह दीजिए, चाहे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी हम कह सकते हैं। देखिए साझा संपत्ति संसाधन में होता क्या है, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का क्या हो, अधिकार हो, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, और सुनिए, साझा संपत्ति संसाधन में किसी विशेष की संपत्ति का अधिकार न होकर सभी सदस्यों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार ना होकर सभी सदस्यों का अधिकार व कर्तव्य वो भी विशेष होते हैं। ठीक है, ये तो साझा संपत्ति के बारे में बताया मैं, निजी में एक व्यक्ति, साझा में सभी व्यक्ति। अब उदाहरण के तौर पर ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं साझा संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए अब उदाहरण मैं डाल रहा हूं आपके सामने, उदाहरण, अब ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर भैया समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, वो अधिकार जैसे कि सामुदायिक वन होता है कि नहीं होता, सामुदायिक वन, कोई वन के ऊपर किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार होता नहीं है, सबका अधिकार होता है वनों पर। इसके अलावा चरागाहों, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, मेरे अगर पशु है तो मैं ही थोड़ी चराऊंगा चरागाहों में, सबका अधिकार है, सब जाइए। इसके अलावा ग्रामीण जलीय क्षेत्र, मतलब जैसे कि तालाब हुआ, झील हुई या फिर नदी हुई, अब इसके ऊपर या तो एक व्यक्ति का अधिकार थोड़ी होता है, सबका अधिकार होता है, सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक स्थान जितने भी होते हैं हम ये कह सकते हैं सार्वजनिक सभी स्थान साझा कहलाता है। मतलब ये कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग सब लोग करते हो, जैसे कोई पार्क है, जैसे कोई मंदिर है, जैसे कोई स्टेडियम है, जैसे कोई अस्पताल है, तो ये किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार होता नहीं है, कोई मैदान है, कोई वन क्षेत्र है, कोई चरागाह क्षेत्र है, तालाब है, नदियां, कुछ भी हो सकती है जिसके ऊपर हर व्यक्ति का अधिकार हो, साझा संपत्ति संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए देखिए साझा संपत्ति संसाधन जो है ये फायदेमंद क्यों है, देखिए साझा संपत्ति संसाधन इसलिए फायदेमंद है, यह संपत्ति क्या काम आती है, यह संपत्ति पशुओं के लिए, पशुओं के लिए चारा, ठीक है, चारे की व्यवस्था करते हैं, घरेलू ईंधन की व्यवस्था ये साझा संपत्ति के अंतर्गत हो पाती है, लकड़ी आसानी से मिल जाती है, सब व्यक्ति का अधिकार है, फल रेसे गिरी, जितने भी हमें जंगलों से कोई चीजें प्राप्त हो सकती है, औषधि उपलब्ध हो जाती है आसानी से, भाई सबका अधिकार है जंगलों पे, तो जंगलों पे सबका अधिकार, कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जहां पर आप कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जंगलों के अंदर जिसके अंदर आप चरागाह कर सकते हो, जहां पे लकड़ियां काट सकते हो, तीन वर्गों में बांटा गया है वनों को भी, तो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी होती है वनों की, ठीक है, कुछ वन तो ऐसे होते हैं जिसमें आप जा ही नहीं सकते, जैसे सरिस्का है, रणथंभौर है, ठीक है ना, ऐसे कई वन होते हैं, ठीक है, जहां पर आप एंट्री भी नहीं कर सकते, और थर्ड नंबर की जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है कि आप जाकर लकड़ी फल रेसे गिरी औषधि घरेलू ईंधन चारा वो आप ला सकते हो। यह संपत्ति संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत उपयोगी है, यह संपत्ति संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि हीन कृषक जो होते हैं, मतलब
जिनके पास में जमीन नहीं होती, भूमि, ठीक है, भूमिहीन, जो भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास में खेती के लिए क्या ना हो, जमीन ना हो, भूमिहीन कृषकों को, ठीक है, भूमिहीन कृषकों को, और साथ में आर्थिक रूप से वह आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को, ठीक है, एक तरीके से फायदा पहुंचाती है, ठीक है, किसानों को सहायता करती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग वहां जाकर, क्योंकि खेती है नहीं, जमीन के लिए जब खेती, जब खेती के लिए जमीन नहीं होगी तो चारा कहां से होगा, पशुओं के लिए पालन के लिए चारा नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में जाकर अपने पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे कि उनके परिवार के लिए ईंधन, चारा और कई प्रकार के संसाधन उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा और मैं बताऊं आपको, जैसे कि महिलाएं होती है, ठीक है, महिलाओं को बहुत फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, महिलाओं की भूमि की कमी के कारण इनको इधर उधर घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो वो ईंधन के लिए भटकना पड़ता है, तो वो क्या करती है, वहां जाकर आसानी से उनके ईंधन चारा की आपूर्ति इन साझा संपत्ति संसाधन से पूरी हो जाती है। महिलाओं को भूमि की कमी के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है, इस संपत्ति संसाधन से वे पशुओं के लिए चारा की आपूर्ति पूर्ण कर लेती है। भाई कहने का मतलब है, साझा मतलब सबका अधिकार, जहां पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर हर व्यक्ति का अधिकार हो। देखो निजी भूमि को दो भागों में बांटा है, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो निजी जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार हो, एक साझा जिसमें हर व्यक्ति का अधिकार हो, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से इसको जानते हैं। भैया जाइए वहाँ पर, जो भी आपको चाहिए, चरागाह, पशुओं को चराना है, अगर आपको लकड़ियाँ काटनी है, तो इस तरीके से आप अपने पशुओं के लिए वो व्यवस्था कर सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने आपको पढ़ाया साझा संपत्ति संसाधन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।